का दायित्व मुझे दिया। आदरणीय अडवाणी जी से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में केवल उपस्थिति मात्र का अवसर मिल जाए तो मन आनंदित होता है, लेकिन अगर इसमें अध्यक्षता का दायित्व मिल जाए तो विनत होकर के व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, क्योंकि वो स्वयं को समझता है कि शायद इस सम्मान के योग्य नहीं था। और वो भी मंच ऐसा हो जहां स्वयं परम पूज्य सत्संघ चालक जी मौजूद हों, स्वयं आडवाणी जी मौजूद हों, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी मौजूद हों। मैं अपने आप को बहुत छोटा पा रही हूँ इस मंच पर और बहुत ही विनम्रता के साथ इस दायित्व का निर्वहन करना चाहूंगी। बंधुओं, ब्लॉग लेखन इस सोशल मीडिया के युग में अभिव्यक्ति की एक प्रमुख विधा बन गई है। पहले लेख लिखे जाते थे, लेखन की और विधाएं थी, कविताएं लिखी जाती थी, उपन्यास लिखे जाते थे, कथाएं लिखी जाती थी, लेकिन सोशल मीडिया के युग में संक्षेप में कहने की विधा सबसे प्रचलित हो गई है। जो कहो थोड़े में कहो, शायद समय की कमी हो गई है लोगों के पास पढ़ने के लिए भी, इसलिए भी वो चाहते हैं कि संक्षेप में कहो मगर सब कुछ कह दो। जिस समय हम पढ़ा करते थे बीए में तो एक विधा होती थी प्रेसी, प्रेसी लेखन, उसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ हमें दिया जाता था और कहा जाता था कि इसकी प्रेसी करनी है, और उसका मूल मंत्र यह था कि इसके अंदर निहित एक भी भाव छूटना नहीं चाहिए लेकिन शब्द आधे हो जाने चाहिए। तो वो प्रेसी लेखन हम करते थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा पारंगत थे उस विधा में और कुछ लोग बिल्कुल नहीं थे। उनको लगता था कि अगर हम शब्द कम कर देंगे तो भाव निकल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत पारंगत थे कि वो इतने कम शब्दों में सारे के सारे भाव समेट लेते थे। मुझे स्वयं को लगता है कि आडवाणी जी प्रेसी के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे अपने समय में, क्योंकि तो जिस तरह से वो ब्लॉग लिखते हैं वो गागर में सागर भरने जैसा है, थोड़े से शब्द मगर भाव पूरे। और उन्होंने कब ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया हम लोगों को पता नहीं। हमने तो एक दिन पढ़ा कि आडवाणी जी का ब्लॉग आया है, हमको लगा कभी कभी लिखेंगे, लेकिन वो सतत लिखेंगे, निरंतर लिखेंगे, इतने विविध विषयों पर लिखेंगे, ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। ये तीसरी पुस्तक है, तीन पुस्तकें उनकी ब्लॉग्स बन चुकी है। ये जो दृष्टिकोण आज लोकार्पित होगी ये एज आई सी इट करके अंग्रेजी में लोकार्पित हो चुकी है, उसका हिंदी अनुवाद आज दृष्टिकोण के नाम पर आ रहा है। एक आज अंग्रेजी में आ रही है माई टेक, और एक हिंदी में आ रही है राष्ट्र सर्वोपरि। अब दृष्टिकोण में 105 ब्लॉग्स हैं, माई टेक में 82 ब्लॉग्स हैं, राष्ट्र सर्वोपरि में 54 ब्लॉग्स हैं, और ये 54 ब्लॉग्स मात्र 5 महीने के हैं। 22 जून 2011 को लिखा हुआ पहला ब्लॉग उसमें सम्मिलित किया गया है और 22 नवंबर 2013 को लिखा गया ब्लॉग उसमें अंतिम है। 5 महीने में 54 ब्लॉग्स हैं, और विषय अगर आप देखेंगे तो इतनी विविधता। वो किसी समारोह में जाते हैं तो उसके बारे में जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, या वहां से अगर कुछ उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है या कुछ अनुसरणीय लगता है तो उस पर लिखते हैं। वो कोई फिल्म देखकर आते हैं तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया उस ब्लॉग में देते हैं। कोई प्रदर्शनी देखते हैं तो उस पर टिप्पणी करते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम में कोई भी ऐसी घटना घट जाए जिस पर उन्हें लगता है कि इस पर टिप्पणी करनी आवश्यक है उस पर टिप्पणी करते हैं। तो तरह तरह के विषय अगर आप देखेंगे, मैं दो एक ब्लॉग्स के बहुत छोटे छोटे से कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। जैसे इसी में राष्ट्र सर्वोपरि में एक ब्लॉग है, जब वो केरल में गए और श्री नारायण गुरु के एक समारोह में शामिल हुए तो वहां के मुख्यमंत्री पहले दिन भाषण करके गए थे श्री ओमान चांडी, और उन्होंने ये कहा था कि हम आज ये घोषणा करते हैं कि नारायण गुरु की शिक्षाओं को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।
प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, वस्तुतः ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय विद्यालयों में इतिहास की पढ़ाई अधिकतर राजाओं, उनके वंश, उनके युद्धों और शोषण पर ही केंद्रित रहती है। हमारे विद्वानों, साधु संतों के अविस्मरणीय योगदान से सामान्यतया बच्चों को अक्सर इस आधार पर वंचित किया जाता है कि एक सेकुलर देश में धर्म वर्जित करना है। ये एक बेहुदा दृष्टिकोण है। ये शिवगिरी में अपने भाषण में मैंने केंद्रीय मंत्री वायला रवि से अनुरोध किया और कहा कि चांदी द्वारा की गई पहल को केंद्रीय और अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की शिक्षाओं को पाठ्यक्रमों का सामान्य हिस्सा बना दिया जाए तो स्कूली पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। अब एक बार चांदी की कही हुई उन्होंने पकड़ी और अपने ब्लॉग पे एक इतना अच्छा अनुसरणीय ब्लॉग उन्होंने लिख दिया। इसी तरह से उसी से अगला ब्लॉग है जहां उन्होंने लिखा, नेहरू का सेक्युलरिज्म भी हिंदू मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ये बहुत ही खूबसूरत एक पैराग्राफ इसमें है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय राष्ट्रवाद का आधार हमारी संस्कृति को ही मानते हैं। अक्टूबर 1961 में जब मदुरई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ तब पंडित नेहरू ने टिप्पणी की थी कि भारत युगों युगों से तीर्थ यात्राओं, तीर्थ स्थानों का देश रहा है। उन्होंने आगे लिखा, समूचे देश में आपको प्राचीन स्थान मिलेगा। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा अमरनाथ से दक्षिण में कन्याकुमारी तक आपको तीर्थ स्थल मिल जाएंगे। दक्षिण से उत्तर तक तथा उत्तर से दक्षिण तक कौन सी प्रेरणा शक्ति लोगों को इन महान तीर्थ स्थलों की ओर आकर्षित करती आ रही है। ये एक राष्ट्र की भावना तथा एक संस्कृति की भावना है। ये एक राष्ट्र की भावना तथा एक संस्कृति की भावना है और इस भावना से हम परस्पर बंधे हुए हैं। ये नेहरू जी के शब्द हैं जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखे और कहा कि उनका सेक्युलरिज्म भी हिंदू संस्कृति की मूल भावना से उपजा हुआ था। अब किसी को शायद कांग्रेस जन को भी ये बात पता नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये बात लिख करके ये उजागर किया कि इवन पंडित नेहरू का जो सेक्युलरिज्म था वो भी ये मानता था, जिसे हम एक राष्ट्र एक जन कहते हैं, कि वो एक राष्ट्र और एक जन से उपजी हुई संस्कृति है। ऐसे अनेक अनेक ब्लॉग इसमें आपको मिलेंगे जो इतिहास के परत खोलते हैं। और मैं अगर ये कहूं कि सबसे ज्यादा ये ब्लॉग ज्ञानवर्धक है, क्योंकि वो पश्चिम की किताबें भी बहुत पढ़ते हैं। हम में से बहुत कम लोगों को ये मौका मिल पाता है कि हम वेस्ट की किताबें पढ़ें, लेकिन उनका एक ब्लॉग पढ़कर उस किताब का पूरा मूल आपको पता चल जाता है। कम से कम नहीं तो 50 ब्लॉग इन तीनों किताबों में ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की पुस्तकों पर लिखे हुए हैं और उनके बारे में बहुत गहन अध्ययन करके उन्होंने उसका सार अपने ब्लॉग में लिख दिया। इसी तरह से फिल्मों के बारे में एक ब्लॉग इसी में है राष्ट्र सर्वोपरि में, विश्व रूपम के बारे में। अब हमें से कितने लोगों ने विश्व रूपम देखी होगी, लेकिन तमिल में बनी वो फिल्म विश्व रूपम और हिंदी में विश्व रूप के नाम से बनी। कमल हसन ने स्वयं फोन करके बताया अडवाणी जी को कि वो फिल्म देखें, क्योंकि सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को पता है कि राजनेताओं में सबसे ज्यादा फिल्मों में रुचि रखने वाला अगर कोई राजनेता है तो अडवाणी जी। तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर अच्छी फिल्म बनाता है तो पहला न्योता अडवाणी जी को देता है और अडवाणी जी भी बिना हिचक उस न्योते को स्वीकार करते हैं। और हमें से कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिनको फोन करके कहते हैं कि मैं इसकी स्क्रीनिंग करा रहा हूं, आप भी आकर देखिए। अब विश्व रूपम में पूरा लिखने के बाद उन्होंने बताया कि एक बार कमल हसन उनके घर आए और वहां उन्होंने कहा कि हिटलर और मुसोलिनी के बीच में बहस छिड़ी कि हम स्वर्ग जाना चाहते कैसे जाएं, तो उन लोगों ने कहा कि पोप से पास लेना पड़ेगा। अब अडवाणी जी स्वयं एक खेल खेलते हैं, मैंने स्वयं वो खेल देखा है। अडवाणी जी एक कागज का टुकड़ा और एक कैंची लेकर बैठ जाते हैं, अनेक तरीके से उस कागज के टुकड़े को मोड़ते हैं, बार बार उसको काटते जाते हैं और अंत में जब वो हिटलर कहता है कि पोप मुझे पास चाहिए तो एक टुकड़ा काटकर उसको देते हैं जिसपे लिखा HELL हेल, कि नरक का पास उसको मिलता। और उसका जिक्र उन्होंने इसमें किया है। हम लोगों ने वो खेल स्वयं देखा। आप उनकी इतनी रिजर्व पर्सोना को देखकर
कभी सोच नहीं पाते कि इस व्यक्ति की खेल में इतनी रुचि रही होगी, फिल्मों में इतनी रुचि होगी, या इस तरह के खेल भी खेलते होंगे, या इस तरह का सामान्य जीवन भी बिताते होंगे। लेकिन जब आप ब्लॉग देखते हैं तब आपको लगता है। अब इसी में एक ब्लॉग है जिसका शीर्षक है कफन की जेब नहीं होती। आप उस ब्लॉग को पढ़िए। अब उसमें शेखर गुप्ता के साथ फर्क इंजीनियर के एक वॉक द टॉक का जिक्र है। कहां कहां की क्रिकेट की का ज्ञान, क्रिकेट की नॉलेज उन्होंने उसमें दे दी है। पढ़ने वाला ब्लॉग है, इसलिए हम जैसे लोग को एक बार जिसे कितना बौखला जाते हैं कि किसकी चीज का ज्ञान वो हमें दे देते हैं छोटे छोटे ब्लॉग्स के माध्यम से। एक बहुत बड़ी पुस्तक को पढ़ना कई बार अरुचिकर हो जाता है, आदमी पन्ने बंद करके रख देता है कि बहुत भारी हो गया था, दैट्स अ वेरी हैवी रीडिंग। लेकिन ये ब्लॉग्स इतने रुचिकर हैं, 3 पन्नों का एक ब्लॉग होगा और उसमें आपको ढेर भर ज्ञान मिल जाएगा, तरह तरह की चीजों का ज्ञान मिल जाएगा। और इसीलिए हम तो इंतजार करते हैं कि अडवाणी जी का ब्लॉग आएगा, आज आने वाला है, आज नहीं कल आएगा, हम लोग सुबह पूरे ब्लॉग पढ़ेंगे। कभी कभी वो अपने ब्लॉग में हमारी ढुनाई भी कर देते हैं और हमारे विरोधी केवल उसी ब्लॉग की चिंता करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ बेटा अडवाणी जी ने धर दिया आपको। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अडवाणी जी के वो ब्लॉग जिसमें हम लोगों की आलोचना होती है उनको हम आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें हमें नसीहत देने का भी अधिकार है और पूरे अधिकार से डांटने का भी अधिकार है, हमारी गलतियों की तरफ इंगित करने का भी अधिकार है और हम गलती को सुधारें ये अपेक्षा करने का भी अधिकार है। इस तरह के ब्लॉग भी इसमें हैं। कर्नाटक की पराजय से भाजपा और कांग्रेस को क्या सबक मिला, ये एक ब्लॉग इसमें है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस तरह के ब्लॉग भी जब आते हैं, उन्होंने राजनीतिक टिप्पणियां वर्तमान सरकार पर भी की हैं, उन्होंने राजनीतिक टिप्पणियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर की हैं, चीन पर की हैं, ओबामा पर की हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भी इसमें बहुत झलकता है। लेकिन जो टिप्पणियां उन्होंने हमारे बारे में की हैं, हम उनको पूरी विनम्रता के साथ एक नसीहत के तौर पर लेते हैं और एक बड़ा बुजुर्ग डांट कर हमें सही होने की सलाह दे रहा है यह देख कर लेते हैं। हमारे एडवर्सरीज, हमारे विरोधी भले उससे खुश होते होंगे, लेकिन उसको हम प्रसार के रूप में ग्रहण करते हैं और हमारी पार्टी और ज्यादा उससे आगे जाए ऐसा एक अपेक्षा करते हुए काम करते हुए हम अपनी गलती को सुधारने की राह पर बढ़ते हैं। ये तीनों पुस्तकें जो आज मिल रही हैं, मैं चाहूंगी अगर ये बाहर सेल्स काउंटर पर बिक रही हो तो आप उनको जरूर लेकर जाइए। कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ना मांगे, पैसा देकर खरीदिए। और ये तीनों पुस्तकें आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में रखने लायक है। इतनी इंटरेस्टिंग रीडिंग, जब आप बहुत बोझिल भी हो और कुछ लाइट भी पढ़ना चाहें तब भी आप उनको उठा सकते हैं। किसी चीज का आप रेफरेंस लेना चाहें तो बहुत सीरियस रेफरेंसेस भी आपको इसमें मिल सकते हैं। लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी की शोभा बनेंगी और आपके अपने ज्ञान का बहुत बहुत वर्धन करेंगी। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और अडवाणी जी की शुभकामनाएं अपने लिए देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।